सर जमीन महल गांव में सर नजर कर रहा हूं, क्योंकि हुजूर पाक की भी हदीसे पाक है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो। मैं हिंदुस्तानी होने के नाते चार मिसरे पेश कर रहा हूं। मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ, यहां वफा है यही आपका इशारा था। फकत मुझी को नहीं मेरा मुल्क जहाँ से अजीज, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था। तो मैं उस नबी का जिक्र कर रहा हूँ जिन्होंने फरमाया कि हिंदुस्तान से वफा की खुशबू आती है। ऐसी नात जो एक आले रसूल औलाद गौसे आज़म हज़रत मुश्ताक मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है, जो पीर नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी हैं। उम्मीद करता हूँ कि पसंद फरमाएंगे। तकदीर चमकने के आसार नजर आए, जब मतलब हस्ती में सरकार नजर आए, जैसे ही खुला उनकी रहमत का शिफा खाना, दुनिया के मसीहा भी बीमार नजर आए। आखिर में वही आए अव्वल में जो चमके थे, आखिर में वही आए अव्वल में जो चमके थे, सदनाज के नबियों के सरदार नजर आए आए। निकला नबी का नाम जो मेरी जुबान से, नबी का नाम जो मेरी जुबान से, अपने करम बरसने लगा आसमान से, अपने करम बरसने लगा आसमान से, फूलों पे बागे जहरा के कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए, दुनिया महक रही है इसी खानदान से, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली है। अब दर बदरी है न गरीबुल वतनी है, इस शहर में बिक जाते हैं खुद आके खरीदार, ये मिस्र का बाजार नहीं शहर नबी है। अरे पलकों को झुकाए हुए खामोश गुजर जा, बेताब निगाही भी यहाँ बेअदबी है। इकबाल में किस मुंह से करूं मदह मोहम्मद, मुंह मेरा बहुत छोटा है और बात बड़ी है। हमारे हजरत स्टेज के पीछे बैठे हैं, ये चार मिसरे नजर कर रहा हूं, बिल्कुल नए आज इंतखाब किए हैं। मुस्तफा की आमद का वक्त क्या निराला है, मुस्तफा की आमद का वक्त क्या निराला है, शब गुजरने वाली है दिन निकलने वाला है, शब गुजरने वाली है के पाए आका को मल के अपने चेहरे पर, खाके पाए आका को मल के अपने चेहरे पर, हमने मुंह दिखाने का रास्ता निकाला है, हमने मुंह दिखाने का रास्ता निकाला है, क्योंकि है शायद वो जहां के ख्यालों से मुत्तफिक, साइंस के उलूम में जितने वसूल हैं, मिर्रेख चांद जोहरा तारुद खला धनक, ये सब मेरे रसूल के कदमों की धूल है। भी
शाहों को अपनी शान हुकूमत पे नाज है, हुस्ने जहां को हुस्न की सूरत पे नाज है, अरे जाहिद को अपने सजदा और तकवा का है गुरूर, मुझको मेरे नबी की नबूवत पे नाज है, मुझको मेरे नबी इश्क सरकार मदीना की करामत देखो, मौत आई है मुझे जिंदगी देने के लिए, चांद बेफिक्र है इस वास्ते खुद को लेकर, उनका तलवा है उसे रोशनी देने के लिए। तो मतला नजर कर रहा हूं आज इस नात को पहली मर्तबा इस बज्म में नजर कर रहा हूं, कैसे नहीं है कोई दुनिया में में फरमाते हैं, तेरे तसव्वुरात में मैं घूमता रहूं, तेरे तसव्वुरात में घूमता रहूं, पी पी के उनके जाम सदा झूमता रहूं, पी के उनके जाम सदा झूमता रहूं, तुम आगे चलो मेरे सारे पुल सिरात पर,
पीछे नक्शे कदम चूर बता रहा हूँ मेरा नबी मेरा नबी हरी साहब नजर कर रहा हूं। नहीं है कोई दुनिया में उम्मत का हाल है तवज्जो चाहूंगा। नहीं है कोई दुनिया में नहीं है कोई दुनिया में हमारा यार नजर कर रहा हूं। तमाम हमारे आरिफ भाई नादिया अली साहब पीछे स्टेज के जलवा अफरोज हैं, मैं उनसे भी तवज्जो चाहूंगा। पहला शेर और बा कमाल हाजी साहब हकीकत है। हकीकत में बहुत बढ़ चढ़ के है अरशे मौला से हकीकत में बहुत बढ़
चढ़ के है अर्शे मौला से समी जिस पर हो नक्शे पा जमी जिस पर हो नक्शे पा तुम्हारा या रसूल महाराष्ट्र वालों, ये बताओ तुम में से मदीना मुनव्वरा कौन कौन जाना चाहता है? जो भी जाना चाहते हैं वो इल्तजा लगा दे सैयदना बाताजुद्दीन के सदके में, सरकार हमें सबको बुला लें अपने दरबार में। ये शेर पूरी कमेटी, हाजी साहब, अनीस भाई, तमाम लोगों को मद्देनजर रखकर पढ़ रहा हूं। आमदार साहब, तवज्जो चाहूंगा आपसे भी। छोटू भाई मंडप वाले, उनसे भी तवज्जो चाहूंगा। तड़पता है, तमाम ऑडियंस भी तवज्जो दें। सिक्तैन से भी शेर पर तवज्जो चाहूंगा। तड़पता है मेरा दिल और तरसती है मेरी आंखें, तरसती आंखें। बुला लो फिर मदीने में, बुला लो फिर मदीने में दोबारा या रसूल। बुला लो फिर मदीने में दोबारा या रसूल अल्लाह। बुला लो फिर मदीने में दोबारा या रसूल अल्लाह। बुला लो फिर मदीने चली गई इलेक्ट्रिक, अगर हो सके तो लगा दें आप। बुला लो बुला लो मदीना बुला लो। हजरत शेख हजरत जामिया रहमा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, इसकी लाइन लगा दो, थोड़ा सुर नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा साइड हो जाए। उसकी इलेक्ट्रिक की लाइट चली गई, इलेक्ट्रिक चली गई उसकी। हेलो,
तनम फरसूदा जा पारा सहिजरा या रसूल अल्लाह दिलम पशु मुर्दा आवारा सही सिया या रसूल अल्लाह चुसुए बा चुसुए मन गुजर आरी मने मिसकी से नादारी फिदाए नक्शे ना लेनत कुनम जाया रसूल अल्लाह चुबाजुए शबा अतरा खुशाई पर गुनाहगारा मकुन बहरू में जामीरा तरा आया रसूल अल्लाह आका बुला लो साइड हो जाए आप इसकी लाइन इंशाल्लाह आप लोग इतनी दूर से आए हैं सैयदना बहुत आज के सदक़े में आप जिस नियत से आए हैं इस दरबार में वो जायज मकासिद पूरे होंगे। भैया ये माइक सही करो ना जरा। या नबी या नबी सरकार बात आज की निस्बत से उस बारगाह में दो मिसरे पढ़ रहा हूँ बात आज की निस्बत से क्योंकि वसीला बड़ी चीज़ है हमारी नज़र में वसीला है सब कुछ वसीला नहीं है तो कुछ भी नहीं है। विलायत की मंजिल का आलम न पूछो वली से नबी का पता पा रहे हैं। तो बात आज की निस्बत से दो मिसरे पढ़ रहा हूँ। उनकी ही बारगाह में अर्ज ही लगाएंगे साहब जब यहाँ आया तो यहाँ के तमाम लोगों ने हाजी साहब ने अनीस भाई और तमाम हमारे भाइयों ने बड़ी तारीफ बोले ऐसा आमदार ना हमने देखा ना सुना आपकी बड़ी तारीफ की। तो मेरा दिल खुश हुआ कि आज मेरी ऐसी शख्सियत से मुलाकात हो रही है जो बुजुर्गाने दीन से नस्बत रखते हैं।
तो ये शेर नजर कर रहा हूँ आशिकाने मुस्तफा की नजर, और सर आप भी तवज्जो दें, हाजी साहब हाजी सत्तार साहब आप तवज्जो दें, अनीस भाई जहां पर भी हो उनसे तवज्जो चाहूंगा। शेर सुनना, और ईमान है हाजी साहब, ईमान है सरदार भाई, फकत आमाल के राज भाई शेर सुनो, फकत आमाल के बदले न पाएगा कोई जन्नत न पाए। जब तक न होगा आपका जब इशारा यार सुन, इल्तजा है सरकार सैयद ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से, एमएलए साहब तवज्जो दें आप भी। सरापा मासियत हूं, यानी मैं गुनहगार हूं सरदार भाई, सरापा मासियत हूं, बार है मुझ पे गुनाहों का, सरापा मासियत हूं बार है मुझ पे गुनाहों का, बचाना नारे दोज़ख से, बचाना नारे दोज़ख से, खुदा रा या रसूल जो पढ़ रहा हूं, इस उम्मीद के साथ पढ़ रहा हूं कि जितने आशिकाने अहले बैत और आशिकाने रसूल आशिकाने सहाबा बैठे हैं मचल जाएंगे ये शेर सुनकर। अब गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, बदकार हैं, जैसे भी हैं, तो हुजूर के उम्मती, तो हमें इस पे फख्र है, इसलिए ये शेर नजर कर रहा हूं उम्मीद के साथ। चाहे गुनाहगार हैं लेकिन कौन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उम्मती है। तो तवज्जो चाहूंगा, जब एक माँ को इतनी मोहब्बत होती है तो एक रसूल को उम्मत से कितनी मोहब्बत होगी, इसलिए ये शेर नजर कर रहा हूं। गुनाहगारा ने उम्मत का खजिल होना सजा पाना, तेरी रहमत तो कब होगा, तेरी रहमत तो कब होगा, गवारा या रसूल तेरी रहमत तो कब होगा, गवारा या रसूल अल्लाह तेरी रहमत तो कब होगा, या रसूल अल्लाह तेरी रहमत तो कब होगा, या रसूल अल्लाह तेरी।
लीजिए आखिरी बंद, माफ कीजिए आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, उसके बाद हमारे आमदार साहब को जाना है, एक राष्ट्रीय गीत मुझे पढ़ना है सर के लिए, पूरी कमेटी का हुक्म है। मैं एक आखिरी शेर पढ़ के नाते पाक मुकम्मल कर रहा हूँ और जानी ये दरबार कमेटी सन 2023 उर्स मुबारक के मौके पर हज़रत बाबा सैयद जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह तुमसर रोड देवहाड़ी में 29 अप्रैल सन 2023 में कव्वाली का शानदार प्रोग्राम है। जनाब अनीस नवाब साहिब वहाँ तशरीफ ला रहे हैं, आप लोग ज़रूर पहुँचें और मख्ता समात फरमाएँ। ये औलाद गौसे आज़म हैं हज़रत मुश्ताक शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो पीर नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी हैं और हज़रत मेरे अली शाह के पोते हैं। तो मख्ते में अर्ज करते हैं, दमे आखिर जरा मुश्ताक पर नजर करम करो ना करना के इसके लबू पे हो कलमा, के इसके लबू पे हो कलमा तुम्हारा या रसूल कहते कहते तुम निकल जाए।